भाजपा ने गोरखा लैंड का लॉलीपॉप दिखाया और चुनाव से पहले केवल पहाड़ी लोगों से वोट इकट्ठा किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों के साथ धोखा किया। पहाड़ी और मैदानों की जमीनें कार्यकर्ता व उस दिन सबसे पहले NJPITTUC कार्यालय गए। उन्होंने वहां संवाददाताओं से कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य पहाड़ी लोगों का विकास है, इसलिए वे पहाड़ियों के विकास के लिए विमल गुरुंग के साथ काम करना चाहते हैं। भाजपा ने अलग राज्य के नाम पर लोगों को धोखा दिया है, जनता समझ गई है। तो यह है अलग राज्य नहीं, पहाड़ी लोग पहाड़ियों का समग्र विकास चाहते हैं। हम लोग ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। विमल गुरुंग अभी त्रिमूल में है, विमल गुरुंग अभी एक सप्ताह में काम करेंगे। आप लोग विमल गुरुंग जी अलायंस में है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। हम लोग सब मिल के हम लोग काम करेंगे पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ के उन्नयन के लिए, और साथ ही साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को और मजबूत कराने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। अपना टारगेट क्या पौरसभा निर्वाचन या फिर जीतिया का निर्वाचन क्या टारगेट? देखिए, आने वाला हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि पौरसभा इलेक्शन में हो, उसका लोकल जीतिया का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन भी हो, 2026 का असेंबली इलेक्शन भी हो, और वहाँ पे पंचायत का इलेक्शन भी हो सकता है। सभी इलेक्शन के लिए हम लोग तैयार है। देखिए ये हाई लेवल, देखिए ऐसा है, मेरा निर्वाचन इलेक्शन में जाना नहीं जाना ये कलकत्ता तय करेगा, लीडरशिप तय करेगा। अगर दे आर मतलब इन पोजिशन जो मेरे को फील करना चाहते हैं कि एज ए कैंडिडेट ऑफ एनी इलेक्शन, देन आई विल फील परमानेंट पोलिटिकल सोल्यूशन के बारे में तपाईँ को देखिए परमानेंट पोलिटिकल सोल्यूशन ये मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये क्रिएशन ऑफ बीजेपी एंड GLF एंड अलायंस, इसमें मेरा कोई टिकट टिप्पणी नहीं है, कोई कमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि PPS का जो एब्रिविएशन है वो लोग जाने, हम लोग का नहीं है। आप लोगों का सेपरेट स्टेट का आंदोलन क्या होगा? जो सेपरेट स्टेट का जो डिमांड है आप लोगों का क्या अभी कैसे होगा आंदोलन सेपरेट स्टेट? देखिए ऐसा है कि मैंने ये बता चुका हूँ कि हम लोग का गुमराह करके, गोरखाओं को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 बार MP लेके गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अगर उनका पॉलिटिकल विल होता तो अगर कश्मीर में 370 को हटा दे सकते हैं तो यहाँ पे गोरखा लैंड दे सकते थे, लेकिन उन लोगों का एक नज़रिया ठीक नहीं है गोरखा के ऊपर में, हम लोग का ऊपर ये डिवीजन का राजनीति करते हैं। हम लोग का इतना आदमी मर गया तभी भी उनको एक तो भी एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। तो बीजेपी एक हम लोग को गोरखालैंड दिखा के, जब इलेक्शन आते हैं गोरखालैंड बोल के एक लॉलीपॉप जैसा दिखाते हैं और वोट लेके जाते हैं, लेकिन अब पब्लिक का माइंडसेट चेंज हो गया है। अभी 2024 में पब्लिक हीटेड रिप्लाई बीजेपी को देगा। अभिनयता मांग तृणमूल देखिए ये तो उन लोग जाने, लेकिन आज तो मैं वापस आ रहा हूँ घर में और आप फिर हम लोग को काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। सिर्फ पहाड़ में नहीं बल्कि हम लोग तराई इलाके में भी आएंगे, जहाँ पे गोरखा डोमिनेटेड एरियाज है हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कम्युनिटी को हम लोग कन्विंस करेंगे। तो ये है तो आम आदमी को आप क्या बढ़ता देंगे, पहाड़ का जो आम आदमी है क्या बढ़ता देंगे? देखिए हम लोग का जो पोटेंशियल है